A coin is biased so that head is three times as likely to occur as tail. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज थ्री टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ये क्वेश्चन ने बोला है। अब हम ये जानते हैं, पहले हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा बोल लेते हैं, लेट हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3x। तो आप लोग सबके सब फैमिलियर हैं कि हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा ही 1 होता है। तो अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड मीन्स 3x एंड टेल मीन्स x। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 4x इक्वल्स टू 1, तो x हमारा आ गया 1/4। एक्स आ गया 1/4, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्स है प्रॉबिलिटी ऑफ टेल विच इज़ 1/4 एंड प्रॉबिलिटी ऑफ हेड इज़ 3/4। बोलो जी, यहाँ तक बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? कोई बच्चा ऐसा जिसको कन्फ्यूजन है? आरुषि, आपको आ गई समझ में? अपूर्वा, कैरलिन? ओके, ठीक है। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मिल गया। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ टेल्स का, और हमने कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है। तो क्या हो गया, अच्छा कॉइन को कह रहा है, हाँ 2 टाइम्स उसने टॉस किया है, कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम ये ले लेंगे, x हमने पहले डिफाइन किया, x इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स, x हो गया नंबर ऑफ टेल्स। तो पहले क्या, x इक्वल्स टू 0, यानी कोई भी टेल नहीं है, तो पहला हेड है दूसरा भी हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, हेड आने की है 3/4, तो इट विल बी 3/4 इंटू 3/4, तो आंसर आ गया 9/16। फिर ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 निकालिए, 2 निकालिए, 1 और 2 के लिए निकाल के बताइए क्या आंसर आ रहा है। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 निकल गया 1 के लिए 3/8, एक हेड है एक टेल है तो ट्वाइस। और कोई बोलो जी, यही आ रहा क्या, 3/8, तो यानी हेड का हो गया 3/4, टेल का हो गया 1/4 इंटू 2, तो आंसर इज 3/8। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 2 बताइए क्या आ रहा है, 1/16। वैष्णवी, यही आ रहा है सर? ओके, तो ये 1/4 इंटू 1/4, तो इट इज़ 1/16। तो बस यही हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गई। ठीक है जी, आ गया सभी को समझ? सामने आपको आया समझ में? ओके, डन हो गया आपका बेटा, कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th हमने करा तो नहीं था ना, 8th के जैसा शायद किया था हमने। कैरलिन, आप बताओ क्या करेंगे 8th क्वेश्चन में? सर, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, हमें हमें फर्स्ट पार्ट में के ढूंढना है, तो मतलब जो पी एक्स है उसका सम तो 1 हो जाएगा। वेरी गुड, हम सबको ऐड करके 1 निकलेगा। ठीक है, यहाँ से आप के निकालिए जी, पी एक्स हमारा 1 हो जाएगा, सबका सम, समेशन पी एक्स इज 1, तो समेशन पी एक्स यानी के प्लस 2k प्लस 2k अगेन प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। अब निकालिए जी k क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताइए। 1/10 क्वाड्रेटिक बन रहा है ना ये, तो 7, 8, 10 ये हो गया 10k स्क्वायर 10k स्क्वायर
और ये हो गया 2 + 3 = 5 + 2 = 7 8 9 9k - 1 = 0। और कोई बोलो जी, यही आ रहा है क्या? कैरलिन तुम्हारा आ गया? तो 10k कॉमन ले लेते हैं। अपूर्वा आप बोलिए। एक वैल्यू k+1 आ रही है, वहाँ से k-1 होगा, तो -1 नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है? यस, के माइनस अगर आ जाएगा तो उसकी वजह से ये वाली प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये नेगेटिव होती चली जाएंगी। तो के आ गया मेरे पास 1/10। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपको के निकालने को बोला था। सेकंड पार्ट, अपूर्वा बोलो, आप बता सकती हो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? px < 3 क्या करेंगे बेटा? सर x = 1, 2 को ऐड करके हाँ, यस, पी एक्स इज इक्वल टू 0, px = 1, px = 2 इनका सम ले लेते हैं। x = 0 तो हमको क्वेश्चन में दे ही रखा है, 0 है। x = 1 हमको दे रखा है, k है। और x = 2 हमको दे रखा है, 2k है। तो सॉल्व होके 3k आ गया। अब इसमें k का वैल्यू डाल दीजिए, k है 1/10, तो आंसर इज 3/10। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? यही आ रहा है वैष्णवी? सेकंड पार्ट ठीक है, थर्ड पार्ट कौन बताएगा? इशिता आप बता सकती हो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे? x > 6 क्या लेंगे, बता सकते हो आप? सौम्य आप बताओ। हाँ, px > 6 का मतलब हो गया x = 7। तो अब 7 में प्रोबेबिलिटी क्या है? 7k² + k। अब इसमें फिर से k का वैल्यू डाल दीजिए, k हमारा आया था 1/10, और इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा आंसर? 17/100। और कोई बोलिए, यही आ रहा क्या? कैरलिन आप बोलिए। ओके फाइन, 1/10² + 1/10, तो 7/100 + 1/10, तो एलसीएम लेंगे तो 100 आ गया, 7 + 10 तो 17/100। ठीक है जी, ये आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट, 0 से लेके 3 तक, बोलो कैरलिन क्या लेंगे? P1 और P2 ले लेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये जाएगा P1 + P2। P1 हमें मालूम है K है, और P2 कितना है? 2K, तो K + 2K 3K हो जाएगा, और K का वैल्यू डालेंगे तो 3/10। यही आंसर वैष्णवी? अपूर्वा कंफर्म करिए। ठीक है, हो गया सभी का? चलो अगेन क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी की तरह है जो हमने पीछे एग्जांपल किया था, और ये अभी क्वेश्चन भी किया हमने 8th, काफ़ी हद तक उसी की तरह है। अब कौन बताएगा इसमें? आरुषि आप बताओ क्या करेंगे इसमें? क्वेश्चन देख लो पहले, आप बताओ जरा क्या करेंगे, बता सकती हो आप आरुषि? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आरुषि बोली,
नहीं के की नहीं, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले टेबल बनाओ और उसमें एक्स की वैल्यू लिखो। एक्स लिखो पहले ऐसे 0, 1, 2 ऐसे एक्स लिख लो। फिर 0 के लिए के है, 1 के लिए 2 के है, 2 के लिए 3 के है। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे पिछली अभी हमने टेबल दे रखी थी, यहाँ पे हमने बस टेबल बना ली। आया समझ में? अब निकालो के क्या होगा बेटा, के निकाल के बताओ कैसे निकलेगा के। हाँ, इन सब का सम वन लगाइए तो वहाँ से के निकल जाएगा। बताओ क्या आ रहा है के। शीतल आ रहा है समझ में? शीतल वन बाय सिक्स। वैष्णवी क्या आ रहा है बोलिए तो? वन बाई सिक्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे आरुषि इसके आगे? के आ गया, फिर बी पार्ट में क्या करेंगे? बता सकती हो आप? हाँ यस, ठीक है। एक्स लेस देन टू में हम ले लेंगे पी ज़ीरो प्लस पी वन। ठीक है जी, वैल्यू निकल गई। हाँ, 3K आ जाएगा। K का वैल्यू डालेंगे तो 3/6 यानी हाफ आ गया। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। फिर थर्ड पार्ट इसी में ही, लेस देन टू लेस देन इक्वल टू टू। तो लेस देन इक्वल टू में क्या करेंगे, उसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी। ठीक है, सबको आ रहा है समझ? लेस देन इक्वल टू टू का क्या मतलब है, मतलब 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। तो यानी ये 3K आ जाएगा, नहीं 6K ही आ जाएगा। और K का वैल्यू 1/6 दे रखी है, तो सॉल्व करके निकालिए तो आंसर विल बी 1। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोलो जी, क्या लेंगे? आरुषि आप बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में क्या लेंगे बेटा? बस 2 लेंगे, बाकी तो क्योंकि 2 से आगे कुछ है नहीं, 2 के आगे उसने बोला अदरवाइज 0 है। तो 2 के लिए वैल्यू कितनी है 3K। अब K का वैल्यू डालेंगे तो 3/6, तो फिर से हाफ आ गया। ठीक है जी, सबका यही आ रहा आंसर? कैरलिन ओके फाइन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन नंबर ऑफ हेड्स ऑफ, चलो टेंथ हम छोड़ दे रहे हैं। डाइस आर थ्रोन, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस। नेक्स्ट भी मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन ट्वेल्थ हम ले रहे हैं जी। ट्वेल्थ में मीन बोला है, लेकिन हम मीन ना निकाल के सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल रहे हैं इसमें। क्योंकि हो सकता है पेपर में आपको सिर्फ ये बोले कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए इसका। फाइंड ई एक्स की जगह हम ये लिख लेते हैं, फाइंड ई एक्स को काट देते हैं, इसकी जगह हम बोलेंगे फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब उसने और स्पेसिफिकली बोल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपके पास 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 से लेकर 6 तक। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। और किसका निकालना है, एक्स उसने प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है। एक्स है हमारे पास लार्जर, एक्स डिनोट लार्जर ऑफ टू नंबर्स। तो आप लिख लो पहले एक्स क्या होगा। एक्स तो हो गया लार्जर, एक्स इज लार्जर ऑफ टू नंबर्स, लार्जर ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर्स मुझे लेने हैं यहाँ से, 0, 1 से लेके 6 तक, और नंबर्स होने चाहिए विदाउट रिप्लेसमेंट। अब कौन बताएगा क्या करेंगे इसमें?
एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? कैरलिन आप बता सकती हो, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हम क्या लेकर के चलेंगे बेटा? टू। वैष्णवी आप बोलो। थ्री। आरुषि आप बता सकती हो। टू। आपने थ्री क्यों बोला वैष्णवी? देखिए क्या है, हमको क्वेश्चन ने बोला है कि x जो है दो नंबर, हमें दो नंबर लेने और x उन दोनों में से वो है जो बड़ा है। तो अगर मैं x को देखो, अगर मैं कहता हूँ बड़ा नंबर तो टू से स्टार्ट कर सकते हैं कि एक अगर टू है तो दूसरा टू नहीं होगा। समझ में आ रहा है वैष्णवी? एक अगर टू है तो दूसरा टू नहीं होगा, तो टू ना एडिशन नहीं, हमने दो नंबर लेना है और उन दोनों में से एक नंबर जो बड़ा है, लार्जर ऑफ टू नंबर्स, उसको हम x से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक नंबर टू है तो दूसरा टू नहीं होगा, तो टू नहीं होगा तो क्या होगा? बोलो जी, अगर टू नहीं होगा तो क्या होगा? वन। आरुषि आप बोलो, टू नहीं होगा तो क्या होगा? कैरलिन आप बोलो। सर, जो आप, मैंने बोला कि एक नंबर हमने बोला टू है और एक टू नहीं है, ये हमने बोला ना। तो अगर एक नंबर टू है तो टू तो ठीक है, क्लियरली वन नंबर इज टू, तो अदर इज नॉट टू, तो नॉट टू अगर अदर देन टू, यानी टू डैश बोल रहे ना, यानी टू नहीं होना चाहिए। तो अगर टू नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए बेटा? मेरा क्वेश्चन ये है। थ्री फोर फाइव सिक्स में से क्या हो सकता है? थ्री फोर फाइव सिक्स में से वैष्णवी, हाँ तो हमें क्या चाहिए दूसरा? हम देखो क्या कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं x क्या है, लार्जर ऑफ टू नंबर्स, तो लार्जर नंबर टू है अगर, तो दूसरा नंबर थ्री नहीं हो सकता है। टू डैश जब हम बोलेंगे तो टू डैश का मतलब दो से छोटा नंबर। कैरलिन यू आर गेटिंग? तो अब इसके भी दो केस बन सकते हैं, एक तो केस ये बन गया, या फिर क्या हो सकता है कि पहला टू नहीं है दूसरा टू है। तो टू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाई सिक्स, और टू नहीं है तो क्या होगा? वन होगा। तो वन और टोटल आउटकम में एक कम हो जाएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, और दोनों केस एक जैसे ही हैं तो इंटू टू, तो आंसर विल बी टू बाई थर्टी। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? अपूर्वा आपको समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। अब अपूर्वा x इज इक्वल टू टू के बाद हम क्या लेंगे? x इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या होगा बता सकते? थ्री। तो थ्री है तो फिर से ऐसे ले लेते हैं, एक थ्री है और एक थ्री नहीं है, तो और इसके भी दो केस हो सकते हैं, इंटू टू कर दिया तो थ्री है, तो थ्री के आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी अपूर्वा? 1/6। तो 3 नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 3 नहीं होगा, हाँ 3 नहीं होगा तो क्या क्या होगा फेवरेबल में? 1 or 2। हाँ 1 or 2, तो 2/5। वाई 2/5? 5 क्यों लिया हमने? विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए 2/5 लेना है, तो आंसर विल बी 4/30। ठीक है वैष्णवी, आ रहा है समझ? ठीक है, ऐसी आप 4 के लिए बनाइए, फिर 5 के लिए बनाइए, और फिर 6 के लिए बनाइए। बना के बताओ क्या आंसर आ रहा है सबके सब? तो इस पे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। बन गया 4 के लिए किस किस का हो गया? 6/30। 6/30। और कोई बोलिए?
सिक्स बाई थर्टी, फोर फोर डैश फोर है तो उसकी प्रॉबलिटी वन बाई सिक्स, फोर नहीं है तो वन टू थ्री हो सकता है तो थ्री बाई फाइव, तो यस इट इज़ सिक्स ओवर थर्टी, बिल्कुल ठीक है जी। कैरलिन फाइव के लिए हो गया आपका एट बाई थर्टी। वैष्णवी आप बोलिए फाइव फाइव डैश, तो फाइव है तो वन बाई सिक्स, फाइव नहीं है तो फोर बाई फाइव, तो इट इज एट बाई थर्टी, ठीक है जी। फिर ले लो एक्स इज इक्वल टू सिक्स, सिक्स के लिए बोलो क्या आ रहा है। आरुषि आप बोलो सिक्स के लिए क्या आ रहा है, वन बाई थ्री बोलो जी। वैष्णवी एक सिक्स है एक सिक्स नहीं है, तो सिक्स है दैट मीन्स वन बाई सिक्स, सिक्स नहीं है तो फाइव बाई फाइव, तो इट इज़ वन बाई थ्री, ठीक है जी। ओके फाइन, हो गया सभी का। अपूर्वा डन हो गया आपका, सौम्या समझ में आया आपको? ओके बच्चे, सौम्या समझ में आ रहा है बेटा? ओके फाइन, ठीक है। क्वेश्चन 13 इजी है, एक बार 14 हम ले लेते हैं। 13th क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सम वाला, ठीक है। हमने एक बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पीछे एग्जांपल में हमने किया था क्वेश्चन। बस इसमें आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने को बोला था, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल करके छोड़ दिया था। एंड सेम विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, मीन और वेरियंस हम काट दे रहे हैं इसमें से। चलो अब ले लो, इसने क्या बोला है, एक्स क्या है, एक्स हमने बोला द एज एक्स ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। एक्स क्या है, एक्स है एज, जिसका हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, एक्स का निकालना, और एक्स क्या है, एक्स है एज, ठीक है जी। तो आप लिख लो पहले x इज इक्वल टू एज ऑफ स्टूडेंट, और टोटल क्वेश्चन ने दिया है हमको 15 स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे छोटी एज वाले क्या है बताइए जरा, सबसे छोटी एज कितनी है हमारे पास, 14 ईयर्स, तो x हो गया 14, तो 14 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं चेक करिए, 1 2 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 और टोटल हो गया 15, 2/15 हो जाएगा, ठीक है जी। आ गया समझ कैरलिन, आपको आ गया समझ में? Yes, sir. अब नेक्स्ट 14 के बाद नेक्स्ट हायर एज कौन सा है हमारे पास, 15, तो 15 वाले कितने हैं, 1, ओनली वन स्टूडेंट, तो 15 इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी 1/15। फिर 15 के बाद नेक्स्ट एज देखिए कितना है, 15 के बाद नेक्स्ट एज है 16, 16 वाले हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर से इसकी प्रॉबिलिटी लिख लीजिए 2/15। फिर नेक्स्ट है 17, तो 17 वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जी हमारे पास, 17 है 1 2 और 3, 3 स्टूडेंट्स हैं 17 वाले, तो उनकी प्रॉबिलिटी हो गई 3/15। फिर 17 के बाद 18 वाला सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, 18 के लिए हो जाएगा 1/15। फिर ले लो 19 वाला एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये है, तो 19 के लिए हो जाएगा 2/15। 19 के बाद 20, तो 20 के लिए हो गया एक ये स्टूडेंट 20 एज वाला है, 2 3 स्टूडेंट्स हैं 20 वाले, तो 3/15।
एंड लास्ट इज 21, 21 वाला सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, 1/15। बोलो जी, सबका यही आंसर है? ठीक है, डन हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, अब 15th क्वेश्चन देखिए। 15th में भी हम क्या है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। चलो अब इसमें बताओ एक्स हम क्या लेंगे, कौन बताएगा आप में से? एक्स क्या लिया जाएगा? क्वेश्चन ने दे रखा है एक्स जीरो है और वन है, ठीक है। और इफ़ यू टेक एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ही अपोज, तो 70% ऑफ द मेंबर्स, 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर इन ए मीटिंग, 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज ए सर्टेन प्रपोजल। ए मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ ही अपोज, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर हमने लिया तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, कौन बताएगा? बोलो जी। अपोज, जीरो का मतलब अपोज, तो अपोज की प्रॉबिलिटी दे रखी है 30/100, 3/10 हो गया। फिर एक्स इज इक्वल टू वन अगर हम लेंगे तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, वन का मतलब है हाँ ही इज़ इन फेवर, तो इसकी प्रॉबिलिटी 70/100 यानी 7/10 हो गई। बस खत्म, यही प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, आ गया सभी को समझ? अपूर्वा, आरुषि, आ गया आप लोगों को? चलो ठीक है, ठीक है। बाकी तो एक 16 और ले लेते हैं। चलो सिक्सटीन्थ क्वेश्चन में कह रहा है द मीन, मीन तो नहीं निकालना, ऑफ टू नंबर्स ऑफ द नंबर्स ऑब्टेंड ऑन थ्रोइंग ए डाई। डाई कैसी है जिसमें वन है ऑन थ्री फेसेस और टू है ऑन टू फेसेस और फाइव है ऑन वन फेस। तो वन कितने फेस पे है? वन थ्री फेसेस पे है, टू है टू फेसेस पे और फाइव है वन फेस पे। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑन डाइस। एक्स इज इक्वल टू हमने लिख लिया नंबर ऑन डाई, तो नंबर क्या क्या हो सकता है बोलो जी। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आरुषि? वन, तो वन की प्रोबेबिलिटी बोलिए क्या होगी, बता सकती हो आरुषि आप? थ्री बाय टोटल कितना, एक डाइस पे टोटल क्या होता है सिक्स, और इसको भी काउंट करोगे थ्री प्लस टू प्लस वन, तो सिक्स ही हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा अपूर्वा? एक्स इज इक्वल टू क्या होगा नेक्स्ट? हाँ एक्स, पहले एक्स बताओ ना, एक्स टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू विल बी 2/6। फिर एक्स क्या होगा? फाइव, तो फाइव की प्रोबेबिलिटी 1/6। बस खत्म, चलो डन हो गया ये। ठीक है जी, तो ये वाली एक्सरसाइज तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो मिसलेनियस की तरफ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो जो आपके सिलेबस में है उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन है बेस थ्योरम का, एग्जांपल 33। ठीक है, एग्जांपल 33
क्वेश्चन ये कह रहा है कलर्ड बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फोर बॉक्सेस, तो फोर बॉक्सेस हैं, फर्स्ट बॉक्स ये है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार बॉक्सेस हैं, और फर्स्ट बॉक्स में जो है चार, तीन ब्लैक हैं, चार वाइट हैं, पांच रेड हैं और सिक्स ब्लू बॉल्स हैं। तो ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, द कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक, व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ फ्रॉम बॉक्स थ्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बॉल ड्रॉ करने से पहले हम लोग बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, तो आप इवेंट डिफाइन कर लो, ई1 बॉक्स 1, ई2 हो जाएगा बॉक्स 2, ई3 हो जाएगा बॉक्स 3, बॉक्स 3 और ई4 हो जाएगा बॉक्स 4। ठीक है जी, तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन बताएगा E1, E2, E3 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4। चार बॉक्स हैं तो एक बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। PE1 1/4, PE2 1/4, PE3 1/4 और PE4 भी आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है जी, और ए हम क्या डिफाइन करेंगे, ए है, क्वेश्चन ने बोला है द कलर ऑफ द बॉल इज ब्लैक, तो ए इज ब्लैक बॉल। तो ए बाय ईवन, बोलो आप उर्वा, ए बाय ईवन क्या होगा बेटा, ब्लैक बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, बता सकती हो आप? फर्स्ट बॉक्स में आपके पास तीन ब्लैक हैं और टोटल बॉल्स कितनी है, 17 है, तो 3/17 हो गया। फिर ए बाई ई टू क्या होगा, इस बार दो हमारे पास ब्लैक हैं और टोटल, नहीं नहीं टोटल इसका कुछ और है बेटा, टोटल इसका 8 है इसका टोटल ना, तो 2/8 हो जाएगा। फिर ए बाई ई थ्री जी बोलिए, पहले वाले का 3/18 होगा, 18 है तो 10, हाँ ठीक है 18 है, ओके तो इसको 18 कर दीजिए। ठीक है जी, अब ए बाई ई थ्री, ए हो गया ब्लैक बॉल विच इज 1 एंड टोटल इज 7। फिर ए बाई ई फोर, ए इज 4 ब्लैक एंड टोटल इज 13। ठीक है जी, यही आ रहा है सभी का? यस सर। अब आपको किसकी प्रॉबिलिटी निकालनी है, बोलो अपूर्वा किसकी निकालनी है, बता सकती हो आप? हाँ, तो यानी E3 बाई A आपको निकालना, तो आपको निकालना PE3 बाई A, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, E3 A बाई E3 ओवर, नीचे तीनों आ जाएंगे, चारों आएंगे, E1 आएगा A बाई E1 प्लस E2 ए बाई टू प्लस E3 ए बाई E3 प्लस E4 एंड ए बाई E4। बस वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, छोड़ दें, हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे इसकी।
ये आपके सिलेबस में नहीं है, 34, 35 भी नहीं है, 36 देख लो आप लोग, क्वेश्चन 36 ले लेते हैं, एग्जांपल 36। इस पे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करिए, ये इंडिपेंडेंट इवेंट पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए एंड बी थ्रो ए डाई अल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स ए सिक्स एंड विंस द गेम। तो दोनों में से जिसका भी सिक्स पहले आएगा वो गेम आपका जीत जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन ये कह रहा है तो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग इफ़ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। तो हमें बताना है कि उनके जीतने के चांसेस क्या होंगे अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं गेम को। तो सबसे पहले विन करने के चांसेस क्या हैं, विन है जब 6 आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या होगी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 विल बी 1/6, ठीक है। तो ये हो गया पी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 1/6 है तो 6 के ना आने की प्रोबेबिलिटी क्यू, वो होगी 1 - 1/6, 5/6 हो जाएगा। अब हमने बोला कि ए स्टार्ट्स फर्स्ट, ए ने स्टार्ट किया, ए स्टार्ट कर रहा है, पहली बारी ए की है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ए की बारी आई और ए जीत गया, ये पॉसिबल है। पहली बारी में 6 आ गया, 6 आ गया तो ए जीत गया, बात खत्म। या फिर क्या हो सकता है, हम ए ने स्टार्ट किया और ए के विन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ए विन्स कब, या तो पहली बारी में ही ए का 6 आ गया वो जीत जाएगा गेम, या फिर क्या होगा पहली बारी में ए का 6 नहीं आया। अब ए का नहीं आया दैट मीन्स मैंने डैश लगा दिया, तो अब किसकी बारी है, बी की है, तो बी का भी नहीं आया, फिर ए की बारी आएगी वापस से, अब 6 आ गया। तो मैं बी का नहीं आया वो वाला केस ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ ए के जीतने की, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हम, पहले हम ए के जीतने की निकाल रहे हैं। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमने क्या बोला कि या तो पहली बारी में ए का 6 आ जाए, या फिर पहली बारी में ए का 6 नहीं आया, फिर से जब बारी आई दूसरी बार तब ए का 6 आ गया, या फिर क्या हो सकता है, फिर से ए का नहीं आया पहली बारी में, बी का नहीं आया, फिर ए की बारी आई तो उस समय फिर 6 नहीं आया, फिर बी की बारी आई तो बी का भी 6 नहीं आया, फिर ए की बारी आई तो ए का 6 आया। यानी पहली बार यहाँ पर था फर्स्ट टाइम 6 आ गया, यहाँ पर था सेकंड टाइम 6 आया, यहाँ पर है थर्ड तीसरी बारी में 6 आया। तो ऐसे ये बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, इनफाइनाइट केसेस बनेंगे। सबको यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जी, कोई बच्चा ऐसा जिसको कन्फ्यूजन है, वैष्णवी आपको आया समझ, आरुषि, कैरलिन, अपूर्वा, ठीक है, शीतल आप बोलिए, सौम्या आप बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, सौम्या आ गया समझ। तो पहली बारी में 6 आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, और का मतलब प्लस हो गया, ये दो केसेस हैं जब 6 नहीं आया, तो 6 नहीं आया तो 5/6 उसका स्क्वायर, फिर 1/6, फिर और का मतलब प्लस हो गया, फिर ये चार केसेस हैं जब 6 नहीं आया तो 5/6 का की पावर 4, फिर 1/6, ऐसे ही चलता जाएगा ये टिल इन्फिनिटी तक। बोलो जी, ठीक है, आ गया सबको यहाँ तक समझ। अब ये क्या है, ये है जीपी। तो जीपी में सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है, जीपी इस तरह से होती है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ये, 11th में आपने पढ़ा होगा, ए अपॉन 1 - r होता है, ठीक है जी, दिस इज़ सम टू इन्फिनिटी, जीपी का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, ए हो गया 1/6,
और कॉमन रेशो क्या होता है? कॉमन रेशो होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है आपके पास? 5/2 की पावर 2, 5/6 की पावर 2 इंटू 1/6, ये सेकेंड टर्म है हमारी, दिस इज सेकेंड टर्म, और ये फर्स्ट टर्म है। डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से तो कॉमन रेशो आपका कितना निकल के आ रहा है? 1/6 कट जाएगा, इट विल बी 5/6 का स्क्वायर, ये आपका कॉमन रेशो। तो ये हो गया a अपॉन 1 - r, यानी 5/6 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ a। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके कितना आ रहा है बताइए ज़रा। 36 - 25/36, 6/11 आ रहा क्या? बोलो बच्चों, वैष्णवी आ गया प्रॉबिलिटी ऑफ ए? ठीक है, करिए करिए, ठीक है, 6/11 आ गया, ठीक है। अब प्रॉबिलिटी ऑफ ए के जीतने की हमने प्रॉबिलिटी निकाल ली, तो आप में से कोई बता सकता है कि बी के जीतने की प्रॉबिलिटी क्या होगी? बोलो जी, कैरलिन आप बता सकती हो? हमने ए के जीतने की प्रॉबिलिटी निकाल ली, तो बी के जीतने की प्रॉबिलिटी क्या होगी? यस, दोनों की प्रॉबिलिटी का सम हमेशा वन होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। तो ए के जीतने की प्रॉबिलिटी हम निकाल चुके हैं, 6/11 है, तो अब हम प्रॉबिलिटी ऑफ बी भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से प्रॉबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? दैट विल बी 1 - 6/11, विच इज़ 5/11। खत्म, ठीक है जी, आ गया सभी का आंसर? एक आंसर ये है और एक आंसर ये है जी हमारे पास। तो इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की आप लोग। अब आ जाओ एग्जांपल 37। थर्टी सेवन में कह रहा है मशीन इज करेक्टली सेटअप, इफ ए मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। अगर करेक्टली सेटअप है तो, करेक्टली सेटअप है तो 90% जो आइटम्स होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे, यानी अच्छे होंगे। एंड इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप तो क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस 40% एक्सेप्टेबल आइटम्स। तो सिर्फ 40% आइटम्स होंगे जो कि एक्सेप्टेबल होंगे। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ द सेटअप्स आर करेक्टली डन, यानी 80% मशीन जब भी सेटअप होती है तो 80% चांसेस है कि वो करेक्टली ही सेटअप होती है, 20% चांसेस है कि वो इनकरेक्टली सेटअप होगी। फिर आगे कह रहा है इफ आफ्टर ए सर्टेन सेटअप द मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स। अब हमने एक सेटअप कर दिया, अब वो करेक्टली भी हो सकता है या इनकरेक्टली भी हो सकता है। उसके बाद हमने, उसने जो प्रोड्यूस किए वो 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स हैं, ठीक है। इफ़ आफ्टर सर्टेन सेटअप द मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, तो फाइंड करना प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप। तो पहले तो बताओ जी ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? आप में से कोई बता सकता है, जज कर सकता है कौन से टॉपिक का है? वैष्णवी आप बोलो। बेस थ्योरम। क्यों बेस थ्योरम? बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? दिस इज बेस थ्योरम, क्योंकि सबसे पहले इवेंट क्या होगा? या तो करेक्टली सेटअप होगा या इनकरेक्टली सेटअप होगा। तो आपको प्रॉबिलिटी निकालनी है जो पहले इवेंट हो रहा है उसकी। तो ईवन हम लिख लेते हैं, ईवन इज करेक्टली सेटअप, ईवन हो गया करेक्टली सेटअप, और E2 हो गया इनकरेक्ट सेटअप। इनकरेक्ट सेटअप,
ठीक है आरुषि, आ गया समझ? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बताओ क्या होगा आरुषि? हाँ, ना ना, 80% है कि इट इज़ करेक्टली सेटअप, यहाँ दिखा हुआ है, देखो 80% ऑफ द सेटअप्स आर करेक्टली डन। तो करेक्ट सेटअप की प्रोबेबिलिटी क्या है? 80% है बेटा, 80/100। क्या है करेक्टली सेटअप की प्रोबेबिलिटी? हाँ, तो इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो तो ज़रा? 20/100 होगी इनकरेक्ट की, बिल्कुल ठीक है। और ए हम क्या बोलेंगे आरुषि, बोलो? हाँ, टू एक्सेप्टेबल आइटम्स, उसने क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला है टू एक्सेप्टेबल आइटम्स, ये हमारा ए है। तो ए है टू एक्सेप्टेबल आइटम्स, ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पे भी आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, टू एक्सेप्टेबल आइटम्स। तो प्रोबेबिलिटी ए बाय इवन बोलो कैरलिन क्या होगा? सर 90/100। 90/100 इंटू 90/100, क्यों होगा इंटू 90/100? सर क्योंकि टू एक्सेप्टेबल आइटम। हाँ, क्योंकि दो आइटम्स हैं, तो फर्स्ट आइटम के लिए 90/100, सेकेंड आइटम के लिए अगेन 90/100। ठीक है जी वैष्णवी, आया समझ? यस सर। तो इट विल बी 81/100। अब बोलो ए बाई ई टू, बोलो अपूर्वा, ए बाई ई टू क्या होगा? अपूर्वा आरुषि आप बोलो क्या होगा? 20/100 क्यों होगा बेटा? जब इनकरेक्टली सेटअप है तो एक्सेप्टेबल आइटम कितना है? ये कह रहा है, ये कहा है देखो, हाँ इनकरेक्टली सेटअप है तो 40% एक्सेप्टेबल है, तो 40/100 इंटू 40/100 होगा, आया समझ? तो ये हमारा इनकरेक्ट के लिए हो गया, विच इज 16/100। अब आपको निकालना है इट इज करेक्टली सेटअप, यानी इवन बाय ए निकालना, बस प्रोबेबिलिटी निकालिए इवन बाय ए, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू ए बाय इवन ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इवन ए बाय इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू ए बाई ए टू, हो जाएगा कैलकुलेशंस या निकाल ही लें हम लोग। ये है 80/100 इंटू 81/100 डिवाइडेड बाई 80/100 इंटू 81/100 प्लस 20/100 इंटू 16/100। तो 100 100 कॉमन लेकर के हट जाएगा, बच गया 80 इंटू 81, 80 इंटू 81 प्लस 20 इंटू 16। तो 20 से और डिवाइड कर लो, 20 बल्कि 80 से डिवाइड कर लो, तो रह जाएगा सिंपली 81, यहाँ पर 81 और ये रह जाएगा 4। तो आंसर विल बी 81/85, बस यही आंसर आना चाहिए। बोलिए जी, यही आ रहा क्या? चलो ठीक है।